इंसान की ये ट्रेजेडी है, ये अलमिया है इंसान का। इसको भी कुरान मजीद की एक सूरत में कसमें खाकर, इज़ समा शक्कत, उसके बाद क्या फरमाया, या अय्युहल इंसान इन्नका कादहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ए इंसान, तेरा अलमिया, तेरी ट्रेजेडी इससे कहीं बढ़कर है। तुझे सदमे पर सदमे झेलते हुए, मुशक्कत पर मुशक्कत बर्दाश्त करते हुए एक रोज अपने रब के हुजूर में भी खड़ा होना है, जवाबदेही भी करनी है। उस दिन के हिसाब से, उस दिन के एहसास से जो बड़े बड़े हमारी उम्मत के अजीम जो गुले सरसबद हैं, उनका यह हाल आपने पढ़ा होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला वो एक अजीब कैफ के आलम में फरमाया करते थे, काश मैं दरख्तों पर चहचहाती हुई चिड़िया होता जिससे हिसाब किताब नहीं होगा, काश के मैं घास का तिनका होता जो आज है और कल आग में जला दिया जाता है, खत्म हो जाता, उससे मुहासबा कोई नहीं। वो जिसके एहसास से कि हजरत उमर जो है अपने इंतकाल के वक्त सख्त बेचैन थे, उनके बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उनका सर जो है वो अपने जानों पर रख लिया तो कहा नीचे डाल दो, एक अजीब बेकली और बेचैनी। उन्होंने कहा अब्बा जान आप क्यों परेशान हैं, आप तो अशराए मुबशरा में से, आपको तो अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत हुजूर के जरिए से इस दुनिया में दी। हजरत उमर फरमाते हैं कि खुदा की कसम अगर कयामत के दिन उमर बराबर सराबर पर छूट गया तो बहुत बड़ी कामयाबी तसव्वुर करें। यह एहसास जिनको होता है, हजरत अली का हाल क्या होता है, अभी जो आपने हाफिज साहब से सुना यह हजरत अली का मामला है कि एक तीर पैवस्त हो गया था, किसी तरह निकल नहीं रहा था। हजरत अली ने फरमाया कि अच्छा छोड़ो मुझे, मैं नमाज की नीयत बांधता हूं। नीयत नमाज की नीयत पढ़ते थे तो लरसते थे, कांपते थे, किसके सामने खड़ा हूं और किसके सामने मुझे एक दिन जवाबदेही के लिए खड़ा होना होगा। लन तजूला कदम इब्ने आदम, हुजूर ने खबर दी है इब्ने आदम के कदम हिल नहीं सकेंगे। जैसे मुजरिम खड़ा होता है कटहरे के अंदर, उस कटहरे में से हिल नहीं सकोगे। हत्ता युसलान खमसिन, जब तक कि पांच चीजों का हिसाब न ले लिया जाए। वो पांच चीजें क्या है, कान खोल कर सुनिए। अन उमर ही फीमा अफना, उमर का हिसाब दो, ये 80 बरस और 70 बरस हमने तुम्हें दुनिया में दिए कहां जाए किए। वान शबाब ही फीमा अबला, और खास तौर पर जवानी का दौर, उमंगों के दिन, वलवले होते हैं, कुवत होती है, तवानाई होती है, आदमी चलते हुए जमीन पर पांव मारता है, कुव्वत जो है वो अपना इजहार चाहती है। ये जवानी कहां गलाई, हिसाब दो, एक एक लम्हे का हिसाब दो। वहां माल ही मिन ऐनक तसबहू वफीमा अनफकहू, एक एक पाई का हिसाब दो, माल का कहां से कमाया था, हलाल से कि हराम से, और कहां खर्च किया था, गुलछर्रों में, अय्याशियों में, या नेकी के कामों में, अदाए हुकूक में, अल्लाह के दीन के लिए। चार सवाल हो गए, दो जिंदगी के बारे में, एक जिंदगी पूरी बहसियत मजमुई कहा किस काम में लगाई, और खास तौर पर शबाब का दौर कहां लगाया। दो सवाल माल के बारे में, कमाया कहां से, हलाल से कि हराम से, जायज से कि ना जायज से, खर्च कहां किया। और आखिरी सवाल, वम्मा अमिल अफीमा अलिमा, जो इल्म हासिल किया था उसमें अमल कितना किया। इल्म के अंबार लगाते चले गए और अमल के आगाज की भी नौबत ना आई। ये इल्म जो है ये उस रोज सबसे बड़ा वबाल बन जाएगा इंसान का, इतना इल्म और अमल कुछ नहीं, बजाय के क्रेडिट का जरिया बने ये उल्टा डेबिट का खाता बन जाएगा। ये जवाबदेही का एहसास है कि जिसकी वजह से इंसान की ट्रेजेडी जो है वो दोहरी है, कोई हैवान इतने बोझ तले नहीं। मुशक्कत की, मेहनत की, इस जिंदगी में खत्म हुए, उसके बाद कोई मुहासबा नहीं। इसको भी गालिब ने खूब कहा है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे।